हेलो दोस्तों, आज फिर एक बार हमारी मुलाकात हो रही है म्यूचुअल फंड से जुड़े और एक विषय पर। हमने ये रिस्क और रिटर्न का चार्ट इसके पहले देखा और हमने चर्चा की थी कि किस तरीके से इक्विटी फंड्स ये रिस्की होते हैं और रिटर्न्स भी बहुत ज़्यादा देते हैं। लेकिन और जो दो अलग अलग कैटेगरीज है इस रिस्क और रिटर्न के चार्ट पर, मतलब डेट और हाइब्रिड, जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। इक्विटी जब बहुत रिस्की और बहुत रिटर्न्स देते हैं और डेट यदि कम रिस्की और कम रिटर्न्स देते हैं, तो उसके बीच का पार्ट होता है हाइब्रिड। पहले जिसे बैलेंस्ड फंड कहा जाता था या बैलेंस्ड कैटेगरी कहा जाता था, अभी जो है स्कीम कैटेगराइजेशन हुआ उसमें उन्हें नाम दिया गया है हाइब्रिड। हाइब्रिड को तीन हिस्सों में बेसिक बेसिक डिवाइड किया गया। यदि हमें बात करनी है तो हाइब्रिड में एक मेन कैटेगरी उन्होंने रखी है कि जिसे हम अग्रेसिव इक्विटी हाइब्रिड फंड कहेंगे। ये जो अग्रेसिव इक्विटी हाइब्रिड फंड है, तो उसमें उन्होंने कहा है कि कम से कम इस फंड में कम से कम 65% ये इक्विटी अनिवार्य है, कि 65% ये इक्विटी यहाँ पर हो, तो इसे हम अग्रेसिव इक्विटी फंड कहेंगे। दूसरा, एक हाइब्रिड में ही एक कैटेगरी उन्होंने बतलाई है, वो मतलब कंजर्वेटिव इक्विटी हाइब्रिड फंड, कि जिसमें 65% तक ये आपका इक्विटी का एक्सपोजर होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो कंजर्वेटिव इक्विटी हाइब्रिड फंड होगा, कि जिसमें डेट का एक्सपोजर भी ज़्यादा होना अनिवार्य है। ये दो फंड बैलेंस्ड को हटाकर ये दो नई कैटेगरी लाई है, अग्रेसिव इक्विटी हाइब्रिड फंड, कंजर्वेटिव इक्विटी हाइब्रिड फंड। और एक नई चीज़ इजाद हुई है जिसे बोला जाता है बैलेंस्ड एडवांटेज, बैलेंस्ड एडवांटेज इक्विटी फंड, कि जहाँ पर फंड मैनेजर को ये फ्री हैंड होता है कि वो कितना भी इक्विटी या फिर कितना भी डेट में निवेश करे। बैलेंस्ड एडवांटेज इक्विटी फंड, कि यहाँ पर डेट का एक्सपोजर भी ज़्यादा हो सकता है, इसमें इक्विटी का भी एक्सपोजर ज़्यादा हो सकता है। और टैक्सेशन में कैसा होगा कि जहाँ पर इक्विटी कंपोनेंट 65 से ज़्यादा है उसको इक्विटी ट्रीट किया जाएगा, जहाँ पर इक्विटी कंपोनेंट 65 से कम है उसे डेट फंड करार दिया जाएगा, और डेट और इक्विटी का टैक्सेशन उस हिसाब से होगा। टैक्सेशन पर एक अलग वीडियो में हम चर्चा करेंगे, लेकिन ये एक हाइब्रिड कैटेगरी है। ये एक हाइब्रिड कैटेगरी है, इसके पुराने पुराना चार्ट होने की वजह से इसको अलग अलग इसमें दिया गया है। हाइब्रिड कैटेगरी में ही एक मंथली इनकम प्लान आता है, कि जिसमें हर महीने में कुछ पैसा हमें मिलता है, MIP जिसको बोलते हैं, मंथली इनकम प्लान। एक स्पेसिफिक एक्सपेक्टेड यील्ड होती है कि उतना यील्ड पिछले टेनर में हिस्टोरिकल रिटर्न्स है तो उतनी यील्ड आते रहेगी। जिन्हें भी रेगुलर इनकम चाहिए या रेगुलर पे आउट्स चाहिए इनकम के अलावा, तो मंथली इनकम प्लान्स का चयन कर सकते हैं कि हर महीने इतना इतना पैसा आएगा। अगर 9% का 10% का यील्ड होगा फॉर एग्जांपल, और 1 लाख रुपए रखे हैं, तो 10% साल के डिवाइडेड बाय 12, उतना पैसा हमारा प्रिंसिपल वहीं पर रहेगा, डिवाइडेड बाय 12 उतना मंथली इनकम प्लान में हमको मिलता रहेगा। सो दिस इज़ MIP, ये एक हाइब्रिड कैटेगरी में आता है। और फिर आता है लिक्विड और या फिर जिसे हम डेट कैटेगरी कहेंगे। जब हम ये डेट कैटेगरी में जाते हैं तो उसमें एक बेसिक कुछ उसको हम डेट क्षेत्र में बेसिक कुछ इसमें हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। हाई यील्ड डेट फंड्स, जिसमें जंक बॉन्ड्स भी हो सकते हैं, कि हाई यील्ड। अच्छा, डेट मतलब क्या? डेट को सबसे पहले समझेंगे, यदि हमें कन्फ्यूजन है तो। डेट मतलब इक्विटी, मतलब हम स्टॉक्स में निवेश करते हैं या स्टॉक मार्केट से रिलेटेड अन्य अन्य व्हीकल्स में हम लोग निवेश करते हैं। लेकिन डेट मतलब कर्जा, डेट पेपर। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे पैसों की ज़रूरत है और मैंने आपसे पैसे उधार लिए, फिर क्रेडिट रेटिंग वगैरह सब देख कर आप मुझे पैसा उधार देंगे, और फिर मैं आपको लिखा कर दूंगी कि मैं आपको 20 रुपया 3 महीनों में इतने इतने परसेंट के हिसाब से वापस करूंगी। सो ये हो गया पेपर। अब ये पेपर कौन इशू करता है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा चीज़ें निर्भर करती है। एक नीचे दी गई लिंक है डेट पेपर्स के बारे में, अगर जानना होगा तो उस लिंक पर क्लिक करके डेट पेपर्स के बारे में हम लोग जान सकते हैं। कौन कौन पेपर्स इशू करता है? तीन लोग मेनली पेपर्स इशू करते हैं। कौन तीन लोग हैं? एक तो बैंक्स, दूसरे कॉरपोरेट्स, और तीसरे
गवर्नमेंट, या फिर पहले गवर्नमेंट कह सकते हैं हम लोग, कि अब ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और ये लॉन्ग टर्म बैंक्स करती है तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट बोला जाता है, कॉरपोरेट्स करते हैं तो कमर्शियल पेपर्स बोला जाता है, और गवर्नमेंट जब करता है तो उसे ट्रेजरी बिल्स और जीसेक कहा जाता है। सो ये ऐसे एक टर्मिनोलॉजी है जो डेट मार्केट में, यदि हम डेट फंड्स के बारे में या डेट स्कीम्स के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो ये बेसिक टर्मिनोलॉजी हमें पता होनी चाहिए। सो हाई यील्ड फंड्स की जब हम बात करते हैं, कि यहाँ पर हमने देखा कि हाई यील्ड फंड्स की यदि हम बात करें तो ऐसे हमने जो पैसा इकट्ठा किया है वो ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स में, ऐसे व्हीकल्स में निवेश होगा जहाँ पर डेट पेपर्स में भी ज़्यादा रिटर्न अपेक्षित है। तो ज़्यादा रिटर्न जब कहते हैं तो रिस्क ज़्यादा होती है, तो अगर हम डेट पेपर्स की बात करें 6% 7% 8% 10 ईयर, जिसे यदि 7 और 7.75 पर चल रहा होगा, और यदि कोई पेपर पर 9-10 मिल रहा होगा तो वो हाई यील्ड डेट पेपर्स खाया जाएगा, वो रिस्क ज़्यादा होगी। तो इसी साइड में है, रिटर्न कम रहेंगे लेकिन उसमें ही रिस्क ज़्यादा रहेगी। सो वो ऐसे पेपर्स में इशू किया जाएगा, ऐसे पेपर्स में निवेश किया जाएगा, माफ़ी चाहती हूँ, कि जहाँ पर रिटर्न ज़्यादा आएंगे वो रहेंगे हाई यील्ड डेट फंड्स, जंक बॉन्ड, जंक फंड्स भी जिसे हम कह सकते हैं, या उसमें का एक पार्ट हो सकता है। डाइवर्सिफाइड डेट फंड्स कि सीडीज़ में भी निवेश करेंगे, सीपीज़ में भी निवेश करेंगे, जीसेक में भी निवेश करेंगे, टीबिल्स में भी निवेश करेंगे, वगैरह वगैरह वगैरह। सो ये हो गया डाइवर्सिफाइड डेट फंड। गिल्ट फंड्स जो होते हैं, जब भी कभी पैसा गिल्ट में लगता है, तो गिल्ट फंड्स वे होते हैं कि जो सिर्फ जीसेक में निवेश करते हैं। जीसेक मतलब कौन? ये ऊपर वाले चार्ट में जीसेक मतलब जब गवर्नमेंट दीर्घावधि के लिए पेपर्स इशू करती है तो उसे जीसेक कहा जाता है। तो गिल्ट ये वो स्कीम होगी कि जिसमें आया हुआ पैसा ये डायरेक्ट जीसेक में निवेश होगा। अब हमने कब ये चुनना चाहिए कि हमें इंटरेस्ट रेट साइकिल यदि हमें समझ में आती है और हमें पता है कि यहाँ से इंटरेस्ट रेट्स नीचे आने वाले हैं और ये इंटरेस्ट रेट्स नीचे आएंगे तो बॉन्ड प्राइस बढ़ेगी, ऐसे परिस्थिति में यदि इंटरेस्ट रेट साइकिल हमें समझ में आती है तो हमने गिल्ट फंड्स में जाना चाहिए। गिल्ट फंड्स तब हमें शायद रिटर्न दे सकते हैं। ये रिटर्न इस यहाँ पर देखेंगे तो इससे तो ये रिटर्न्स डेफिनेटली कम है और सेफर भी है। इसके बाद आएगा मनी मार्केट फंड्स और लिक्विड स्कीम्स। ये वो क्षेत्र में पैसा लगाया जाएगा, ये ऐसे पेपर्स में पैसा लगाया जाएगा, इस स्कीम के तहत आने वाला पैसा, मनी मार्केट फंड्स में जो पैसा आएगा वो ऐसे ऐसे जगह पर पैसा लगाया जाएगा कि जिसकी मैच्योरिटी एकदम कम हो। मतलब मैच्योरिटी जैसे ही कम होती है वैसे रिस्क कम होती है। आज पेपर इशू किया, 7 दिन बाद पैसा आना है, 15 दिन बाद पैसा आना है, 3 महीने बाद पैसा आना है, 4 महीने बाद पैसा आना है, ये जो पेपर की रिस्क है डेफिनेटली वो कम होगी 5 साल वाले पेपर के तुलना में। सो टेनर जैसे कम होगा वैसे रिस्क भी कम होती है। सो मनी मार्केट फंड्स या फिर लिक्विड स्कीम्स जिसे कहते हैं, कि वो बहुत ज़्यादा सीडीज़ में निवेश करते हैं, कॉल मनी में जिसे हम बोल इस चर्चा में आ सकता है, सीडीज़ में निवेश बहुत ज़्यादा करते हैं, टी बिल्स में बहुत ज़्यादा निवेश करते हैं, और हमें उसमें वो फिर यील्ड आती है। इसकी रिटर्न अगर हम देखेंगे तो बहुत कम होता है, लिक्विड फंड के रिटर्न्स, मनी मार्केट फंड के रिटर्न्स, सीडीज़ और जहाँ पर टी बिल्स में पैसा निवेश होता है बहुत ज़्यादा रिटर्न्स कम आते हैं। और एक नई कैटेगरी आई है जिसे हम बोलते हैं ओवरनाइट, यहाँ पर एक लिक्विड या फिर मनी मार्केट जिसे हम बोलेंगे, और नई एक आई है जिसे हम बोलते हैं ओवरनाइट फंड्स, कि जहाँ पर मैच्योरिटी एकदम 1-2-3-4 दिन की होती है उतने रिटर्न्स हमें मिलते हैं, सबसे कम रिटर्न्स यहाँ पर मिलता है लेकिन सबसे कम रिस्की ये होता है। सो ये जो चार्ट देखेंगे यहाँ पर सबसे कम रिस्की वाला ओवरनाइट फंड आता है, कि सबसे कम रिटर्न्स, सबसे कम रिस्की। सो डेट फंड में जब हम पैसा डालें, जब हम कोई भी पोर्टफोलियो को बना रहे हैं, और पोर्टफोलियो में हम जब इक्विटी कंपोनेंट, डेट कंपोनेंट तलाशते हैं कि हमें कहाँ तलाशते हैं कि हमें कहाँ निवेश कितना करना चाहिए, कि अगर हमारा पोर्टफोलियो कहता है हमारे फाइनेंशियल प्लानिंग के अनुसार कि हमें इक्विटी में इतना प्रतिशत जाना चाहिए, इतना पैसा कैश होना चाहिए, इतना पैसा डेट होना चाहिए, तो फिर डेट में भी
कहाँ निवेश करना चाहिए, डेट में भी कितना निवेश करना चाहिए करके ये बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। डेट स्कीम्स में जब हम निवेश करते हैं तो जो पिछले कुछ दिनों में हुआ कि लिक्विड फंड्स में भी जो जो नियमों के अनुसार निवेश किया गया था डेट फंड्स में भी निगेटिव रिटर्न्स पिछले 6-8-9 महीनों में 10 महीनों में हमने देखे हैं। उसके क्या कारण हो सकते हैं उस पर एक उस पर एक बार अलग चर्चा करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि डेट फंड एकदम सेफ है, एकदम सिक्योर्ड है, उसमें कभी नुकसान हो ही नहीं सकता, लेकिन यदि हम निवेश कर रहे हैं तो हमने उसमें क्या रिस्क है क्या नहीं है इस पर समझकर हमने निवेश करना चाहिए। लिक्विड कैटेगरी में एक बहुत अच्छी चीज़ होती है जिस पर चर्चा, वो एक अच्छा पॉइंट हो सकता है जिस पर चर्चा होनी चाहिए, वो मतलब फ्राइडे पार्किंग। यदि लिक्विड फंड्स में, लिक्विड प्लस कैटेगरी में T+1 में पैसा रियलाइज होता है, तो यदि हम फ्राइडे को, फ्राइडे पार्किंग इसे कहते हैं, यदि हम, ये हो सकता है इस सत्र का एक पेग हो, यदि फ्राइडे पार्किंग हम कर रहे हैं, यदि हम लिक्विड कैटेगरी में पैसा डाल रहे हैं, बहुत बार ये स्पेसिफिकली ये कैटेगरी व्यवसायिकों के लिए है जो जिनको पता है कि सैटरडे संडे कुछ ज़्यादा ट्रांजैक्शंस नहीं होने वाले, पैसा करंट अकाउंट में रख रखा है, करंट अकाउंट में वैसे भी रिटर्न्स नहीं आते हैं, कुछ रिटर्न्स नहीं होते, तो ऐसे परिस्थिति में यदि हमारा कुछ पैसा ये आइडल है सैटरडे संडे के लिए, तो मानकर चलिए वो 1 करोड़ रुपये का अमाउंट होगा, और 1 करोड़ रुपया यदि हमारा आइडल पड़ा है और लिक्विड फंड की जो यील्ड है वो 6-7% यदि चल रही है, तो 7% होता है 7 लाख 1 करोड़ का। सो 1 करोड़ का 7 लाख, ये हो गया साल का ब्याज, 7% की जो यील्ड है वो साल की है। अब फ्राइडे पार्किंग क्यों बोलते हैं, यदि हम पैसा फ्राइडे को 11 बजे के पहले निवेश कर रहे हैं, RTGS हो गया, हमको उस दिन की NAV मिल गई, और हमने 3 बजे के पहले, कट ऑफ के पहले हमने यदि पैसा रिडीम किया, हमने ऑनलाइन ही रिडीम किया, आजकल बहुत सारे मोस्ट ऑफ द AMCs ऑनलाइन एप्लीकेशंस, बहुत सारे ब्रोकर्स भी ऑनलाइन एप्लीकेशंस प्रोवाइड कर रहे हैं, और हमने कट ऑफ टाइम के पहले यदि हमने रिडीम कर लिया तो हमको रियलाइजेशन T+1 में है। डेट में जब पैसा रियलाइज होता है तब NAV मिलती है, तो हमने जिस दिन पैसा RTGS कर दिया उस दिन की NAV मिल जाएगी। और यदि हमने सेम डे पैसा रिडीम किया तो 1T+1 में यदि हमें पैसा वापस आना है, तो फ्राइडे को यदि कट ऑफ के पहले हम लोग रियलाइज़ कर रहे हैं तो सैटरडे संडे छुट्टी होती है, जो हमारी गलती नहीं है, तो पैसा हमको मंडे को 11 बजे तक मिलेगा। ऐसी परिस्थिति में हमें 3 दिन का ब्याज मिलता है, फ्राइडे सैटरडे संडे। अब ये बेसिक कैलकुलेशन के लिए समझाने का प्रयास है। 7 लाख रुपये साल के हो गए, तो साल में 365 दिन होते हैं, तो एक दिन का 7 लाख डिवाइडेड बाय 365, ये होगा 1917 रुपये। और जब हम फ्राइडे पार्किंग करेंगे और उसी दिन कट ऑफ के पहले यदि रिडीम करेंगे तो ये मल्टीप्लाइड बाय 3, हमको मंडे को जो पैसा आएगा वो 1 करोड़ जो हमने निवेश किया है प्लस 5753, ये 5753 के साथ हमको हमारा 1 करोड़ वापस मिलेगा। सिर्फ बेसिक ट्रांजैक्शन हमें करना है, कोई कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं है। पहले थोड़ा सा कठिन हुआ करता था कि वो सब ट्रांजैक्शन स्लिप भरो, पैसा निवेश करो, पैसा निकालो, इट यूज़ टू बी अ टीडियस प्रोसेस। तो वो जो हम ट्रांजैक्शन के लिए मेहनत कर रहे हैं उसके लिए वो पूर्णता नहीं था। आज की परिस्थिति में यदि ये सारी चीज़ें ऑनलाइन हो सकती है और यदि हम निवेशक हैं, फिर वो 5 लाख 2 लाख 10 लाख कितने भी क्यों ना हो, यदि हम वो निवेश करते हैं और सिर्फ 6% की भी यील्ड आती है तो भी लगभग 5,000 रुपया 4,900 रुपया हमको मिलता है। और मतलब ये हम महीने के 4 बार कर सके, साल के 10 बार भी हम कर सके, सिर्फ 10 बार, तो भाई 40-50 हज़ार रुपया ये कुछ ख़राब रकम नहीं होती है, बहुत सारे छोटे छोटे खर्चे निकल जाते हैं। सो डेट कैटेगरी में लिक्विड फंड्स या फिर ओवरनाइट फंड्स में भी ये ऑप्शंस हो सकता है। सो ये इसमें बहुत अच्छा एक प्रावधान है कि जिसके ज़रिए हम लोग हमारा छोटा छोटा पैसा बना सकते हैं। डेट में निवेश करते वक्त जोखिम ज़रूर होती है, रिस्क ज़रूर होती है, उसके बारे में हमने सोचना ज़रूर चाहिए। एक बार हमारे फंड मैनेजर या फिर हमारा जो फंड एडवाइज़र है, एजेंट है, उसके साथ चर्चा करिए, प्रॉपर एडवाइजरी के साथ ही डेट फंड का चयन करें, एवई उसमें निवेश ना करें। रिस्क फ्री या फिर लो रिस्क ज़रूर है, लेकिन
उसमें भी कभी ना कभी 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 शायद हमको धोखा हो सकता है। ऐसे परिस्थिति में हम लोग थोड़ा सा यदि हम सोच कर समझ कर निवेश करें तो बहुत अच्छा हो सकता है। हमने देखा कि किस तरीके से हाइब्रिड फंड और डेट फंड्स काम करते हैं। इसमें मंथली इनकम होने वाले कुछ फंड्स भी हो सकते हैं जो रेगुलर पे आउट्स थे, क्वार्टरली मंथली रेगुलर पे आउट्स थे, ऐसे ऑप्शंस भी हमें मिल सकते हैं। तो जिन्हें रेगुलर इनकम की ज़रूरत है या रेगुलर पे आउट की ज़रूरत है, हम लोग ऐसा कोई ऑप्शन, ऐसा कोई विकल्प हम लोग चयनित कर सकते हैं। डेट और हाइब्रिड अच्छा विकल्प हो सकता है निवेश करने के लिए, लेकिन निवेश करने के पहले एक बार किसी जो व्यक्ति इस बारे में ज़्यादा जानता है, समझता है, उसके उसके साथ चर्चा ज़रूर कर लीजिएगा। और कुछ सवाल इससे जुड़े कुछ होंगे तो नीचे दिए गए हुए ईमेल एड्रेस पर संपर्क कर सकते हैं। फिनेंशियल प्लानिंग से जुड़ी अगर कुछ क्वेरीज होगी तो सेम ईमेल एड्रेस पर संपर्क करें। धन्यवाद।